पूरा पार्टी को नीचे से ऊपर तक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी नया जान देकर हम लोग दिल्ली में जो बाय मीटिंग हुआ था अमित भाई शाह से वो अमित शाह से जो मीटिंग हुआ था बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट से आवाज निकल रहा है और जो दिल्ली बोल रहा है वो दो अलग अलग बात है। तो ये मैं उन्हीं को छोड़ता हूँ कि जो उन्होंने मुझे कहा है या फिर वो सच है या फिर जो मैं सुन रहा हूँ मीडिया से वो सच है, ये इसमें मैं अभी कोई कॉमेंट नहीं करना चाहूँगा। रहा बात जो मैंने कहा है मीडिया में, मुझे लगता है कि हमें 10,323 टीचर्स के बारे में बात करना चाहिए, हमें जो मैक्सिमम ऑटोनॉमी का बात किया जा रहा था उसके बारे में बात करना चाहिए, हमें कैसे यूथ को नौकरी देना है उसके बारे में बात करना चाहिए, हमें CBSE में कॉपग्रॉप में रोमन स्क्रिप्ट में कैसे हम लोग परीक्षा देते हैं उसके बारे में बात करना चाहिए, हमें ग्रेटर की प्रणाली के लिए बात करना चाहिए। लेकिन मैं क्या सुन रहा हूँ कि जहाँ में कोई किसी को नाम से बुला रहा है, कोई पर्सनल अटैक हो रहा है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि हमारा प्रायोरिटी है तिपरा सर लोग, और हमको तिपरा सर लोगों के लिए बात करना है। मैंने पहले से बोल दिया है कि मैं अपना मेरा कमिटमेंट फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन फुल एंड फाइनल, और अगर स्टेट गवर्नमेंट हमसे कोऑपरेट नहीं करेगी तो फिर हम भी अपना रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हमारा फाइट पॉलिटिकल नहीं है, हमारा फाइट जाति के लिए है। और अगर आप 30% तिपरा साहब को छोड़ के पिपरा में राज करना चाहते हैं तब 30% तिपरा साहब भी नाखुश रहेगा, रिएक्ट करेगा, तो उनको भी सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से पर्सनल अटैक्स नहीं होना चाहिए, पर्सनल अटैक से किसी का कुछ नहीं होता, कोई मुझे कुछ बोले या ना बोले, मैं जो हूँ वो हूँ, मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और मैं किसी को सर्टिफिकेट भी नहीं देना चाहता। Mariana. Vamos.